उन्हें अभी बेचारा अभी मिठे पे भी नहीं आया, इन्हें पहले से डर दूंगा। और दूल्हे से भी नहीं मिल रहे, पहले जा रहे हैं। अच्छा अब देखो, जलसे में भी सामने नहीं बैठते, वली में के शादी खाने में भी सामने पीछे बैठ रहे लास्ट में। मैं बोल रहा हूँ बेचारा कई को सब पीछे पीछे रह रहा, पीछे पीछे रह रहा, क्या मैं पीछे बैठ गया वहां से वहां भागने के चक्कर में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। तो आज हम लेके आए अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब जी का एक बयान है, उसका टाइटल है शादी और वालिमे में ऐसे काम मत करना। तो ये वीडियो देखने वाले हैं क्योंकि तो इनके हमने बहुत सारे वीडियो देखे और सभी जो वीडियो वो बहुत ही हंसाने वाले रहते, फने रहते बयान। ये वीडियो भी देखते कुछ उसी प्रकार का होने वाला है। हमारे साथ इस वीडियो को आखिर तक देखिए। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, इनके भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो पहले ये वीडियो देखते हैं। मगर एक वादा करो, आज चाय पे बोल दे तुम, फिर उसका अपना जिक्र करता हूँ आगे। एक वादा करो, दावत में जाते वलीमे की जाते, कौन कौन नहीं जाते हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह, सब लोग जाते हैं। जाओ रोजाना एक वलीमा खाओ। मगर वो दूसरे लोग अंदर खा रहे हैं डाइनिंग एरिया में, वो जाके गेट करने ठहरते, देखो पहले से ही पहले से ठहर जा रहे हैं। देखो उन्हें अभी बेचारा अभी मिठे पे भी नहीं आया, इन्हें पहले से डर दूंगा। अभी डाल ले रहा यारों ने, अभी खींच रहा ही जने। अल्लाह के वास्ते ये चिल्लर हरकत मत करो, बराबर है। जरा जोर से और जरा जोर से, ये चिल्लर हरकत मत करो, इससे मुसलमान बदनाम हो रहा। कितने कंगले रे, आइए मौना तशरीफ लाए, कितने हल्के रे, रोजाना खा रहे फिर जाके गेट करने पहले ठहर जा रहे, और दूल्हे से भी नहीं मिल रहे, पहले जा रहे हैं। अच्छा अब देखो, जलसे में भी सामने नहीं बैठते, वली में के शादी खाने में भी सामने नहीं, पीछे बैठ रहे लास्ट में। मैं बोल रहा हूँ बेचारा कई को सब पीछे पीछे रह रहा, पीछे पीछे रह रहा, क्या मैं पीछे बैठ गया वहां से वहां भागने के चक्कर में। उन्हें इतना हल्का पना, इतना कंगला पना, इतना चिल्लर पना, रोजाना खा रहे फिर चिल्लर पना, बराबर है मुसलमानों का। मत करो मेरे भाई, मोमिन कंगला नहीं होता, मोमिन हल्का नहीं होता। आप जाके कुर्सी पे बैठे नहीं, आपका जो मेजबान जो आपको रुखा दे के दावत दिया, देखो उन्हें बोलना आपको चलिए खाना खाने के लिए, चलिए खाना खाने के लिए। नहीं बोला नो प्रॉब्लम, जितनी देर आप बैठ सकते बैठो, निकल जाओ। मगर ऐसा गिर पड़ के चिल्लर पना कंगले चाले करके खाना मत खाओ, ये मोमिन की शान के खिलाफ है, बराबर। ये ईमान वालों की शान के खिलाफ है। मोमिन इतना हल्का नहीं होता। रसूल पाक अलैहि सलाम ने क्या कहा, बाजार में खाना हल्केपन की निशानी है बोले सरकार। मतलब सरकार अपनी उम्मत को हल्का देखना नहीं चाह रही, सरकार अपनी उम्मत को हल्का देखना, गिरा हुआ कंगला मर रहा खाने का से, और फिर खाने पे बैठे भी तो टेबल पे इतने चिल्लर चाले। आप आठ आदमी दस आदमी का टेबल ऐसा हाथ मार रहा, उन लोग पूरे नौ अलर्ट हो जाए, क्या करता है इन्हें, इतना चिल्लर पना। और वो दाल लिया से वो खा रहा नहीं, दाल लेते जा रहा था, हिरिस दाल लेते जा रहा था, दाल लेते पूरा खा ले, चिल्लर पना मेरे भाई, गलीज खलीज हरकत। अरे मोमिन है मेरे भाई हम, अरे हम ईमान वाले हैं मेरे भाई, ईमान वाले। हमारे मुकद्दर में जन्नत की गिजाएं लिखी हुई है, और हम लोग ये दुनिया में इतने चिल्लर इतने चिल्लर इतने चिल्लर हरकतें। मर्रक नहीं खाता, बाजू को ठोकर के हलीम डाल ले रहा, हलीम नहीं खाता बिरयानी डाल ले रहा, बिरयानी भी खत्म नहीं हो रही उसको कोने में ढकल कर कटोरे के मीठा भी डाल ले रहा। बाज लोग तो इतने खतरनाक है, मीठा एक ले रहा चमचा, बिरयानी एक निवाला उठा रहा, इतना चिल्लर है। इतनी खलीज फितरत बन गई है मुसलमानों की, इतने चिल्लर हो गए। कुर्सियों पे बैठे हुए नहीं है, दूल्हे को मुबारकबाद देना, दूल्हे के वालिद को, अरे जानते रहे उसको दिए तक टाइम हो जाता, बैठ अंजान मार उसको, अंजान मार पलड़े आ रहे थे जा रहा हूँ जानते, इतने चिल्लर इतने चिल्लर।
इतना चिल्लर बना कुछ पूछो मत। नहीं, ये हंसने की बात है, हंस के समझ जाओ, हंस के लाइट नको लो, हंस के समझ जाओ, हंसने की बात है ये, मगर समझना है। मैं बात बहुत बड़ी बता रहा हूँ आपको, आपको कोई भी नहीं बोलता ये बात। अल्लाह के वास्ते ये चिल्लर पना नहीं करेंगे दावतों में जाके, नहीं करेंगे। नहीं बैठो आप, इज्जत से बैठो आप, आपको बुलाते हो ना, बराबर लड़की का बाप आता, लड़के के बाप आते, भाई आता, दोस्त आता, कोई भी आता आपको पूछता, इज्जत से जाके खाओ आप, शान से जाना आप, आपके वास्ते कुर्सी रख के बुलाना आपको, शान से जाके खाना, हल्का पना नहीं करना। एक टेबल पे नहीं मिला दूसरे पे मिलता, दूसरे पे नहीं मिला तीसरे पे मिलता, नहीं मिल रहा जान दो, आ जाओ आप, इस नो प्रॉब्लम। क्या अपन जिंदगी में क्या वो बिरयानी नहीं खाए तो अपन मर जाने वाले, रात में हार्ट अटैक होने वाला है? नहीं, वो मुर्गी का सालन नहीं खाए तो फिर जिंदगी में दोबारा अपने को मुर्गी का सालन मिलने वाला नहीं है? महीने में 10 दावतों तो आते जाते, इधर से उधर से कहीं से तो भी दावत आई जाती। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात पर अमल करेंगे। इंशाल्लाह आइंदा से हम लोग कंगले चाले नहीं करेंगे, हल्के चाले। अरे अच्छे अच्छे सूट पहन के भाई, सूट पहन के टाइम ऐसा पट्टा देखे तो ऐसा दिख रहा करोड़पति लखपति है, जाके वहां ठहरता दरवाजे का नहीं, इतना चिल्लर दिखता और ऐसा ठहरता, यूं झांक लेते 3 महीने से भुक्का आया नहीं, अब मिला तो खा लेने वाला है। मत करो ऐसा, ये मुसलमान की शान नहीं है, ये मोमिन की शान नहीं है। मुसलमान बुर्दबार होता है, मुसलमान बड़ी हिम्मत वाला होता है, मुसलमान बाशऊर कौम का नाम है। आप उस कौम के एक जिम्मेदार फर्द है और अपनी जिम्मेदारी का हक अदा कीजिए। आइए अब चलते हैं, जो जिक्र मैं शुरू किया था, तो औलिया अल्लाह की करामात का जिक्र कुरान में, औलिया अल्लाह का जिक्र कुरान में, उनकी करामात का जिक्र कुरान में, उनकी अजमतों का जिक्र कुरान में, उनकी रिफतों उनकी कुव्वतों का जिक्र कुरान में, और ये सब बयान करना अल्लाह की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है जरा जोर से बोलो, अल्लाह की सुन्नत है। अब आइए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए हजरत बिलखीस तशरीफ लाने वाली थी। कौन? हजरत बिलखीस। हजरत बिलखीस जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से लिए मुलाकात के लिए आई तो हजरत बिलखीस का मकान, आपका दरबार बहुत दूर था, आप मलिका सबा थी, बड़ी इज्जतदार अजमत वाली खातून थी हजरत मलिका सबा हजरत बिलखीस। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको इस्लाम की दावत पेश की थी कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, तो वो इस्लाम कबूल करने के लिए शर्त रखी थी, आप मुझे कोई ऐसी चीज दिखा दीजिए जिसको देखकर मेरा दिल मान जाए वाकई अल्लाह एक है और आप उसके रसूल हैं। तो हजरत सुलेमान ने कहा आप मेरे दरबार में तशरीफ लाइए, मैं आपको चंद ऐसी चीजें दिखा दूंगा जिसको देखकर आप मान जाएंगी अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूं और इस्लाम हक है, आप तशरीफ लाइए। तो हजरत बिलकीस मलिका सबा अपने घर से सफर शुरू करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार तक तशरीफ लाई। 2 महीने का वक्त लगा। कितने महीने का? घर से निकल के दरबार तक आने के लिए कितने महीने का वक्त लगा? जरा जोर से प्लीज, क्योंकि ये बड़ी बात है, इसको आपको जहन में रखना जरूरी है, ये पूरे मसले का लुबे लुबाब है। ये 2 महीने का वक्त लगा हजरत सुलेमान हजरत बिलकीस को आने के लिए, क्योंकि वो दिन में सफर करती थी और रात में खियाम कर लेती थी, रुक जाती थी रास्ते में, एक काफिला लेकर आई थी और बिल्कुल हजरत सुलेमान के दरबार के करीब आ गई, बिल्कुल करीब। यूं समझ लीजिए मिसाल के तौर पर 5 मिनट में हजरत सुलेमान के दरबार में दाखिल होने वाली है। कितने मिनट में? 5 मिनट में हजरत सुलेमान के दरबार में आने वाली है। यह पूरा वाकया कुरान मजीद के अंदर है। चंद ही लम्हों में सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल होने वाली है। कुर्सी को लड़ ले रहे हैं लोग, यूपी के क्या नहीं होते ना? नहीं मतलब वहां इलेक्शन चल रहा ना, वो मुनासिबत से पूछ रहा हूं। आप कोई दूसरा ख्याल मत निकालिए उसका, वहां भी ऐसी चल रहा ऐसा। तो अब जरा मसले को समझो आप, 5 मिनट में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल होने वाली हजरत बिलखीस।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबारियों से कह रहे, फरमा रहे, क्या कह रहे हैं, अल्लाह कुरान पाक में दर्ज कर दिया। हजरत सुलेमान कहने लगे, है कोई तुम में से जो मलिका सबा हजरत बिलखीस के मेरे दरबार में आने से पहले उनका तख्त जो उनके घर में रखा हुआ उनके दरबार में वो तख्त लाकर मुझे दे दे। उनके दरबार में जो उनका तख्त है जिसपे वो बैठा करती है तख्त। सो ये था बयान, बहुत ही फनी बयान था। और उन्होंने बताया कि जैसे शादी में बाराती है या फिर लोग है, वो दूल्हे को नहीं पूछते लेकिन सबसे पहले खाना ढूंढते, खाना खाते हैं, खाना का ये ढूंढते। और इनके बयान हमने बहुत सारे किए हमारे चैनल पे, आप चेकआउट कीजिए या फिर मैं उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी हमारे वीडियोस देखिए, काफ़ी फनी बयान है। और इसमें उन्होंने बताया कि जैसे मतलब बारातियों का स्वागत करना चाहिए लेकिन उसकी खातिरदारी करनी चाहिए, लेकिन वो कुछ करते ही नहीं है। और बाकी कैसा लगा वीडियो बताइए कमेंट करके। तो सच में ये बयान बहुत ही अच्छा था। हमें एक भाई साहब ने ये बयान सजेस्ट किया था। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और ऐसे कोई बयान हो या वीडियो हो तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।